हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल अन्ना के खाना पे। मैं आशीष लेके आ रहा हूँ आज की न्यू रेसिपी, जिसमें हम बनाए लौकी के कोफ्ते और हमने लिए एक लौकी। अब हम इसे छिल लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमने लौकी को छिल लिए। अब हम इसे घिस लेंगे खोपरा घिसनी पर। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमने लौकी को घिस लिया है। अब हम इसका जो पानी निकालेंगे वो भी एक सूती कपड़ा लेंगे, फिर इन सबको उसमें डालकर और निचोड़ लेंगे, तो इसका जितना भी पानी है वो बाहर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमने लिया एक रुमाल, अब हम इस पर डालने जा रहे हैं घिसी हुई लौकी। तो इसका अब हम पानी निकालेंगे निचोड़ कर। तो फ्रेंड्स, हम रुमाल को बंद कर रहे हैं अब। अब हम इसे निचोड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसमें से पानी निकल रहा है लौकी में से। इसका पूरा पानी निकाल लेंगे हम। उसके बाद ये हो जाएगी सूखी। उसका हम इसका मसाला बनाएंगे कोफ्ते के लिए। कोफ्ते बनाने के लिए आवश्यक सामग्री, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने लौकी ली थी, उसे घिस लिया था, तो घिसी हुई लौकी लेंगे। 100 ग्राम बेसन लेंगे, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून किचन किंग मसाला और स्वाद अनुसार नमक। तो फ्रेंड्स, हम लौकी के अंदर अब डालने जा रहे हैं बेसन जो हमने लिया था। बेसन हमने डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। अब डालेंगे हम नमक। अब डालेंगे हम किचन किंग मसाला। अब हम डालेंगे धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स, इसमें पानी ना के बराबर डालना है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी पानी है थोड़ा बहुत, तो इसमें पानी नहीं डालना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब हम इसे करेंगे फ्राई, जिसके लिए लेंगे हम कढ़ाई और कुछ तेल। तो फ्रेंड्स, हमने लिया है कढ़ाई के अंदर 200 ग्राम तेल। अब हम इसे गर्म होने देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालने जा रहे हैं लौकी के कोफ्ते। इन्हें अच्छे से फ्राई होने देंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे लौकी के कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकालेंगे। इसी तरह हम सारे कोफ्ते फ्राई कर लेंगे। और आप देख सकते हैं ये कितने सॉफ्ट है, ये अच्छे से पक चुके हैं, ये एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे लौकी के कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। अब हम इसका मसाला बनाने जा रहे हैं। तो मसाला बनाने के लिए आवश्यक सामग्री इस प्रकार है: 2 से 3 तेज पत्ते, 2 दालचीनी, कुछ काली मिर्च, 3 से 4 लौंग और 1 बड़ी इलायची, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 मीडियम साइज़ की प्याज मोटे कट कर लिए हैं, इसे हम मिक्सी में पीस लेंगे, 2 से 3 हरी मिर्ची कट कर लिए है और कुछ लहसुन छिल लिए है, जिसे हम बारीक पीस लेंगे मिक्सी में, और 1 टमाटर मीडियम साइज़ का कट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं हमने प्याज को पीस लिया है मिक्सर में और लहसुन और मिर्ची को भी पीस लिया है बारीक। अब हम इनका छौंक लगाने जा रहे हैं। छौंक लगाने के लिए लिया है हमने 2 टेबल स्पून तेल। अब इसे हम गर्म होने देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा तेल गर्म हो चुका है।
हो चुका है। अब हम इसे में डालने जा रहे हैं गरम मसाला जो हमने निकाला था। इसे फ्राई होने देंगे। जैसे कि देख सकते हैं आप, गरम मसाला फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें डालने जा रहे हैं प्याज का पेस्ट। अच्छे से फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारे प्याज फ्राई होने लग गए हैं। अब हम इसमें डालने जा रहे हैं लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट। इसे भी हम पकाएंगे और लाइट ब्राउन होने देंगे सब चीज़ों को। तो ये लाइट ब्राउन होने वाले हैं। अब हम इसमें डालने जा रहे हैं टमाटर जो हमने कट किए थे। तो फ्रेंड्स, ये सब लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें डालने जा रहे हैं लाल मिर्च पाउडर जो हमने निकाला था, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लास्ट में नमक। अब इसे मिक्स करेंगे और 5 से 7 मिनट पकने देंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला थोड़ी देर में पकने वाला है। तो फ्रेंड्स, हमारा मसाला पक चुका है। अब हम इसमें डालने जा रहे हैं लौकी के कोफ्ते और इन्हें भी हम थोड़ी देर इसके साथ पकाएंगे। उससे ग्रेवी का जो पानी है वो इसमें मिक्स हो जाएगा अच्छे से। और अब हम इसमें डालने जा रहे हैं धनिया पत्ता। तो फ्रेंड्स, हमारी सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। तो देख के बताएं कैसा लगे हमारे लौकी के कोफ्ते। फ्रेंड्स,